सर पकड़ा गया था वो आदमी कहाँ है सर? सर चिंटू का साथी राकेश जिसे आपकी पुलिस ने पकड़ा था उसकी फोटो है हमारे पास। कौन से गांव से थे वो लोग? सर आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब तो देना होगा। वो मनमानी करेगी। जवाब दीजिए, बताइए सर। क्या पुलिस जिसे चाहे उसे पकड़ के उसका इनकाउंटर कर सकती है? उसको भी मार दिया है ना आपने? असली अपराधी तक तो आप पहुंच नहीं सकते, ऐसे ही किसी टुच्चे को पकड़ लेते हैं और फिर उसे भी मार देते हैं। मैडम मैं यहाँ चाय पत्ती और चीनी नहीं बेच रहा हूँ जो फायदे और नुकसान के बारे में सोचो। मुजफ्फरनगर का क्राइम अब ऐसे ही खत्म होगा। नेहा जी हमेशा कहती हैं कि आप हीरो बदलना चाहते हैं, तो क्या आप खुद यहाँ का हीरो बनना चाहते हैं ताकि आप कल कुछ गलत करें और हम नया हीरो तलाशने के लिए निकल जाएं? वहां से केरा साहब जवाब नहीं है आपका, कमाल के हीरो हैं आप। दरअसल आपको यहाँ नहीं मुंबई में होना चाहिए। नहीं अनिल जी मैं यहाँ का हीरो नहीं बनना चाहता। आप सब देखिएगा बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ का हर एक आदमी ही यहीं का हीरो होगा। हर गांव का हीरो होगा, उसका पुलिस वाला, आर्मी वाला, एक साधारण सा आदमी, ये गुंडे नहीं। मैं आज नहीं तो कल यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मुजफ्फरनगर की पहचान अब हमेशा यही रहेगी। तो उसके लिए कत्ल करने की क्या जरूरत है? अगर आपके पिताजी पे कोई हाथ उठाता तो आप क्या करते? शायद आप भी वही करते जो मैंने और मेरी टीम ने किया। तकरीबन एक साल हो चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए। मजबूरी में यहाँ का हर आदमी सिर्फ हाथ फैलाता है और उस हाथ पर भीख या बंदूक रख देते हैं ये डेढ़े भाई। क्या करना चाहिए था मुझे फिर, आप लोग ही बता दीजिए। हमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया और अब मुजफ्फरनगर में ऐसा ही होगा। आप लोग जो कुछ भी छापेंगे मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा। ये मैं आप सबके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूँ। राकेश को हम नहीं मारा क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट 20 से 25 केसेस में थी। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग वो करिए, मुझे कलम पर पूरा भरोसा है।